थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर एक बार आप रिदम में आ गए तो फिर आप बोर्ड परीक्षा में एकदम आग लगा दोगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर वन चैनल शुभम क्लासेस पर। दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको भी 2024 में बोर्ड का पेपर देना है, अगर अभी तक आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है, आप जुलाई या अगस्त से अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हो, लेकिन अभी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ये कमेंट कर रहे हैं कि सर अप्रैल मई जून ये 3 महीने तो हम लोगों ने सही से पढ़ाई नहीं किया, लेकिन क्या अब हम जुलाई अगस्त से शुरुआत करके 90-95 प्लस ला सकते हैं? और ला सकते हैं तो कैसे ला सकते हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, स्कूल कोचिंग भी ओपन हो रहा है। अभी तो गर्मी की छुट्टियां चल रही थी, लेकिन अब स्कूल कोचिंग भी ओपन हो रहा है, तो हम किस तरीके से पढ़ाई करेंगे, जो चैप्टर छूट गए हैं उसको कैसे रिविजन करेंगे, हमें स्कूल का समय सेल्फ स्टडी के लिए कैसे टाइम निकालेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे, कोचिंग और कैसे जो हमारा टारगेट है उसे अचीव करेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, जो छात्र अप्रैल से पढ़ रहे हैं या फिर जो अब स्कूल ओपन हो रहा है, तो अपनी तैयारी यानी बोर्ड परीक्षा की असली तैयारी शुरू करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को 1 सेकंड के भी स्किप मत करना, क्योंकि इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था कि अप्रैल से आप तैयारी किस तरीके शुरू करोगे, जिसे 7 लाख स्टूडेंट देख चुके हैं। इस बार का वीडियो उससे भी इंपॉर्टेंट है, और जो स्टूडेंट इस वीडियो से अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं उन्हें अपनी प्लानिंग में कोई चेंज नहीं करना है। ये वीडियो उनके लिए है जो अब अपनी तैयारी शुरू करने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट, चाहे वो क्लास 10 के 12 के, अभी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आया, तो बहुत सारे स्टूडेंट शुभम क्लासेस से पढ़कर 90-95 प्लस स्कोर किए थे। जब मैं इन छात्रों से बात कर रहा था तो मैं बहुत ऐसी बातों को नोटिस किया जो और बच्चे नहीं कर रहे हैं, और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्लास 10-12 में से बहुत सारे स्टूडेंट शुभम क्लासेस के 90-95-96% लेकर आए हैं, और मैं चाहता हूं आप भी लेकर आओ और आपका भी इसी तरीके शुभम क्लासेस से फोटो लगे। अगर आप लाना चाहते हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि 2024 की बोर्ड परीक्षा में आप कितने परसेंट अंक लाना। तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही जो आपको 3 पॉइंट बताने वाला हूं, सबसे पहले आपको इस 3 पॉइंट को फॉलो करना है। सबसे पहला जो आप मिस्टेक करते हो कि स्कूल कोचिंग तो आप जाते हो, लेकिन घर पर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हो। अब जब आप पढ़ाई शुरू करोगे तो स्कूल और कोचिंग का टाइम रहेगा, लेकिन घर पर भी आपको पढ़ाई करना है, और वो पढ़ाई किस तरीके से करना है वो भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस ये 10 से 15 मिनट आप मुझे अपना दे दो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं जो होमवर्क मिलता है। आपको काम ऐसा नहीं करना है काम चलाओ। देखो आपके माइंड पे ये पहले से ही क्लियर है कि बोर्ड का एग्जाम आपको देना है, और बोर्ड का एग्जाम का जो पेपर आता है वो भी बाहर के टीचर बनाते हैं, और जो कॉपी चेक होती है वो भी बाहर के टीचर चेक करते हैं। तो आपको अपना 100% देना है कि इस बार के बोर्ड परीक्षा में आप 90 प्लस ऐसे अंक लाओ कि आपके पेरेंट्स का भी सर ऊंचा हो जाए। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं, इस पॉइंट को अगर समझ गए तो आपके मन में यह भी सवाल है कि सर अभी जो 3 महीने में सिलेबस पढ़ा दिया गया है, जो छूट गया है, उसको कैसे कवर करें, और अब हम किस तरीके शुरुआत करें। मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि देखो स्कूल में तो आपको पढ़ाई करना है, कोचिंग आप चाहे ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन, दोनों जगह से पढ़कर आप 90-95 प्लस ला सकते हो। आपको सेल्फ स्टडी, ये 3 चीजें किस तरीके से करना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, अगर आप स्कूल में चल रहा है चैप्टर नंबर 2, कोचिंग में चल रहा है केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3, और आप खुद से पढ़ने की कोशिश कर रहे हो चैप्टर नंबर 1, तो कहां से समझ में आएगा। और फिर आप बोलते हो सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या फिर स्कूल कोचिंग में सही से पढ़ाया नहीं जा रहा है। सबसे बड़ा मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट यही करते हैं कि स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है, कोचिंग में जो पढ़ाया जा रहा है, दोनों जगह अलग अलग है, और जो आप पढ़ रहे हो वो भी चैप्टर अलग है। अरे भैया 3 चैप्टर आप एक साथ कैसे समझ सकते हो, और एक ही सब्जेक्ट है नहीं, 5 सब्जेक्ट है। तो आपको जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहला काम करना है जुलाई से जो भी चैप्टर शुरू हो रहा है, सपोज किया मैंने चैप्टर नंबर 4 आपका मैथ में शुरू हो रहा है, तो चैप्टर नंबर 4 आप अगर ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो तो चैप्टर नंबर 4 आपको जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वही चैप्टर नंबर 4 आपको यहां भी पढ़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है,
ये स्कूल में भी वही प्रश्नावली सॉल्व कराया जा रहा है, कोचिंग में भी वही प्रश्नावली सॉल्व कराया, क्योंकि सभी जगह एनसीईआरटी पैटर्न लागू हो चुका है। तो अब दोनों जगह आपने सेम चैप्टर को सॉल्व किया। अब जब घर पर आप यही सेम चैप्टर सॉल्व करोगे तो इस चैप्टर में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपको नहीं समझ में आएगा। पहला सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अब जब जुलाई या अगस्त से जब भी आप पढ़ना शुरू कर रहे हो तो आपको जो चैप्टर से शुरू कर रहे हो आपको तीनों जगह हर सब्जेक्ट में वही चैप्टर पढ़ना है ताकि आपको समझ में आ सके, ये नहीं कि अलग अलग चैप्टर हर जगह। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, देखो मैं मानता हूं कि आपने तीन मंथ अपने गंवा दिए या सही से नहीं पढ़ाई की, लेकिन आप अभी भी इसे कवर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। देखो दो तीन चैप्टर जो छूटे हैं अभी आपको ये चौथा लेसन से शुरू तो करना है, आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन है क्योंकि वन शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो आप चाहो तो जो आपका चैप्टर नंबर 1, 2, 3 ये आपका छूट गया है ये वन शॉट वीडियो से कवर कर सकते हो, नहीं तो आप अभी पढ़ते रहो। अभी यूट्यूब पर शुभम क्लासेस पर और भी बहुत जगह आपको क्रैश कोर्स रिवीजन बैच जिसमें लेसन वन से रिवीजन होता है वो वहां से आप उस चैप्टर को पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो जितने बच्चे हिंदी मीडियम के आप अगर चाहते हो कि लेसन वन से अपनी तैयारी शुरू करो तो हमारा एक न्यू बैच शुरू हो रहा है जिसमें आपको लेसन वन से तैयारी कराई जाएगी। आपका लेसन वन से जो चैप्टर्स पढ़ाया जा रहा है उसको तो पढ़ाते रहेंगे बैच में, लेकिन लेसन वन से जो बच्चे जुड़ेंगे उनको वहां से पढ़ाया जाएगा। सर इस बैच में वो सब कुछ मिलेगा, जैसे वो बच्चे 90-95 प्लस लाए थे आप भी ला सकते हो। आप किसी भी बोर्ड के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, 10-12 के सभी जगह का सिलेबस सेम है, आप इस बैच में जुड़ सकते हो। सर इसमें लेसन वन से पूरी तैयारी कराई जाएगी, आपको पूरा प्रॉपर नोट्स मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जो चैप्टर पढ़ा दिया जाएगा उस चैप्टर के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पिछले 3 साल का पेपर मिलेगा और जो चैप्टर पढ़ा दिया जाएगा उसका डाउट सेशन टेस्ट होगा हर रविवार को। सर इसकी फीस तो बहुत ज्यादा होगी, आपको इस बैच में पूरे विषय की तैयारी कराई जाएगी और फीस सिर्फ 1499। हमारा यही सपना है शुभम क्लासेस का कि हिंदी मीडियम का हर बच्चा अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सके और सभी विषयों की पढ़ाई कर सके। सर इसकी फीस 1499। आप कैसे जुड़ सकते हो, लाइव क्लास, प्रैक्टिस सेट, नोट्स, लास्ट ईयर पेपर, संडे टेस्ट और सिर्फ 1499 में अभी जुड़ोगे तो जो सितंबर अक्टूबर हमारा क्रैश कोर्स आएगा वो आपको फ्री मिल जाएगा। तो आपके पास एक बेहतरीन मौका है, शुभम क्लासेस ऐप डाउनलोड करके जुड़ सकते हो, नहीं तो इस नंबर पर जो स्क्रीन पर चल रहा है इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, सर हमें आपके न्यू बैच में जुड़ना है। आप जैसे ही पेमेंट करोगे ऐप पर या फिर नंबर पर तो आपको जोड़ दिया जाएगा। जितने बच्चे लेसन वन से तैयारी करना चाहते हैं जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है ये आपके लिए एक ऑप्शन है। अब आपने देखो आपने ये भी समझ लिया कि सर हमें किस तरीके से पढ़ना है चैप्टर्स को, ठीक है एक ही जगह सभी चैप्टर्स को पढ़ना है, और दूसरा जो चैप्टर छूट गया उसके लिए 3-4 ऑप्शन है। आप चाहो तो अभी हर वीक में या हर दिन 2 घंटे जो चैप्टर छूटे उनको कवर कर सकते हो, और नहीं तो आप वन शॉट और जो आपका रिविजन बैच है उससे कवर कर सकते हो, क्योंकि 2-3 चैप्टर वो कवर हो सकता है। आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल सेल्फ स्टडी के लिए निकालना पड़ेगा, ये नहीं कि स्कूल कोचिंग का जो टाइम है वही टाइम को आप मान लो कि आपने पढ़ाई कर लिया। आपको सुबह किसी भी कीमत पर उठना है अगर बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लेकर। मैं बार बार आपको बोलता हूं वो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं जो सूरज को जगाते हैं, वो नहीं जिन्हें सूरज जगाता है। तो आपको डेली 5 या 4 बजे जो बच्चे और जल्दी उठ सकते हैं तो आप अपने सपनों के लिए जितना मेहनत कर सकते हो उतनी अच्छी बात है। आप यहाँ चाहो तो 4 से 6:30 बजे जो आपका सबसे कठिन सब्जेक्ट है उसको पढ़ सकते हो। आपका स्कूल कोचिंग 8 से 5 तक में मैंने यहाँ पर दे दिया, शाम को आपको एक सब्जेक्ट, शाम को 6 से 7:30 और रात को 9 से 10:30। ये आपके माइंड में रहे कि ऐसा टाइम टेबल आपको बनाना है कि हर सब्जेक्ट के लिए कुछ ना कुछ टाइम आपको मिल जाए, ठीक है। देखो हर सब्जेक्ट का, हर बच्चों का वीक और स्ट्रांग सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो जो आपका वीक सब्जेक्ट है उस पे आप टाइम ज्यादा दे सकते हो, 2 घंटे डेली दे सकते हो, और बाकी जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उस पे 1-1 घंटा से हिंदी इंग्लिश है, ठीक है, इस पे आप आधा आधा घंटा भी दे सकते हो, ठीक है। और जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में तीनों में जो सबसे कम है उसमें 1-1.5 घंटा देकर उसको कवर कर सकते हो, ठीक है। कौन सी किताब, बहुत बच्चों अलग अलग कोचिंग में अलग अलग किताबें पढ़ाते हैं, आपको कोचिंग नहीं फॉलो करना है, आपको बोर्ड जो आपका सिलेबस जारी किया जहां से पेपर बन रहा है उसको फॉलो करना है। तो एनसीईआरटी आप बुक सिर्फ सॉल्व करोगे तो आपका काम हो जाएगा, और दिन भर ये नहीं कि स्कूल कोचिंग गए और घर पर नहीं पढ़ाएंगे। सेल्फ स्टडी आपको, अगर आपका सपना ये
स्कूल कोचिंग में जो पढ़ा दिया गया अब आपको समझ में आया कि नहीं आया, वो तो आप सेल्फ स्टडी जब करोगे तब ना पता चलेगा कि जो वहां पर पढ़ाया गया वो मैं कर ले रहा हूं कि नहीं कर ले रहा हूं। तो इसलिए सेल्फ स्टडी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, देखो अभी आपका 3 मंथ तो बीत चुका है, लेकिन अभी भी आपको मैंने बोला कि आप बहुत आराम से कवर कर सकते हो। अभी आपके पास जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है। अगर आप हर महीने में 3-3 चैप्टर भी कवर करते हो तो हर सब्जेक्ट में लगभग 15 ही चैप्टर है और ये बहुत आराम से कवर हो जाएगा। और ये 3 मंथ सर किस लिए आपने रखा है, ये जब मैं टॉपर से बात कर रहा था मैं पूछ रहा था कि लास्ट में आप क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करते थे, क्या आप सिलेबस पढ़ रहे थे या क्या चीज। तो जब सारे बच्चों से बात किया तो पता चला पिछले साल का पेपर, क्वेश्चन बैंक जो मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, सैंपल पेपर, ये लास्ट में कि किस तरीके का पेपर पैटर्न, किस तरीके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम आते, कौन से रिपीटेड क्वेश्चन है, वो सभी क्वेश्चन लास्ट के मंथ में। तो आपको भी वही काम करना है। ठीक है, अब जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं देखो एनसीईआरटी बुक में भी काफी चेंज हुआ है, सिलेबस में भी काफी चेंज। सबसे पहले सिलेबस को आपको अच्छे से देख लेना है जब भी आप वीडियो देख रहे हो। ठीक है, सिलेबस को अच्छे से देख लो। कई चैप्टर हट गए, जैसे 12th में केमिस्ट्री में 6 चैप्टर हट गए, 10 ही चैप्टर आपको पढ़ना है। तो सिलेबस तो ऐसा हो गया है कि आप बहुत आराम से कवर कर सकते हो। और हर विषय में कितने चैप्टर, कितने मार्क्स का है, जो चैप्टर ज्यादा मार्क्स का है जब उसे क्लास में पढ़ाया जा रहा है तो अच्छे से पढ़ो, क्योंकि उससे ज्यादा मार्क्स के बोर्ड एग्जाम में आने। और पूरी प्लानिंग, ये नहीं कि आप एक ही सब्जेक्ट को पूरा दिन पढ़ते आ रहे हो या एक ही सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, उसी पे पूरा फोकस। पूरी प्लानिंग हर सब्जेक्ट के लिए, एक भी सब्जेक्ट में अगर कम मार्क्स आएगा भी बोर्ड परीक्षा के, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका हिंदी में 60% 60 नंबर, बाकी सब में 95-94। तो हर सब्जेक्ट पर फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि 500-100 मार्क्स के हैं। अब आपका डेली का टारगेट रहना चाहिए कि आप डेली अगर पढ़ाई करो, अगर आपने मैथ में 7 दिन में 1 चैप्टर खत्म करने का लिया है, उसमें 70 क्वेश्चन है, तो हर दिन आपका 10 क्वेश्चन का डेली का टारगेट रहना चाहिए। आपके जितने भी फ्रेंड अभी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो टाइम चल रहा है आपका बहुत क्रूशियल चल रहा है, क्योंकि अगर इधर 2-3 मंथ आपने गवा दिया फिर आपका दिवाली वगैरह आ जाएगा, तो फिर लास्ट में 1-2 मंथ आएगा, फिर आप बोलोगे सर कुछ ऐसा क्वेश्चन कहीं से पता चल जाए कि बस हम पास हो जाए। तो ऐसा फ्रेंड सर्कल आना चाहिए जो आपको पढ़ाई, खुद भी पढ़ाई करे और आपको मोटिवेट करे पढ़ने के लिए। और जो होमवर्क है वो टीचर आपको इसीलिए देता है कि वो क्रॉस चेक कर सके कि जो मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं। इसलिए होमवर्क को आपको करके जाना है ताकि जो टीचर है वो आपको और अच्छे से पढ़ाए। और जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, रटने पर फोकस मत करो। ठीक है, रटने पर फोकस मत करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट जो रट लोगे, 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में इतने सारे चैप्टर्स हैं। रटने पर नहीं, समझने पर कोशिश करो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सेकंड, जितने भी आप पढ़ाई करो, जो सब्जेक्ट में फॉर्मूला है उसको अलग से कॉपी बना लो, ठीक है, ताकि उसको बार बार रिवीजन करते चलो। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका फॉर्मेट, जैसे लेटर में, ठीक है, क्या उसका फॉर्मेट है, हिंदी में लेटर का कोई भी ऐसा चीज है जिसमें फॉर्मेट है, जीवन परिचय हो गया, साहित्यिक परिचय हो गया, ये सारे चीज को एक कॉपी में नोट करते चलो। ठीक है, अब जो भी चैप्टर पढ़ते जा रहे हो, ठीक है, उसके चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन जरूर सॉल्व, ये नहीं कि बस थ्योरी पढ़ लिए। थ्योरी आपके, ये आपको बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इसलिए जितना क्वेश्चन आप चैप्टर पढ़ने के बाद सॉल्व करोगे वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, और हर संडे को टेस्ट हो, संडे को नहीं, जब भी टेस्ट होता है, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन, आप टेस्ट जरूर दो। ठीक है, कम नंबर आएगा तो आपको लगेगा कि आपको और मेहनत करने की जरूरत है, तो अगर अच्छा नंबर आएगा तो आप और खुद से अपने आप से मेहनत करना शुरू कर दोगे। ठीक है, और रिवीजन जो चैप्टर पढ़ते जा रहे हो, ठीक है, जब भी टाइम मिले उसे, ऐसा ना हो कि जुलाई अगस्त में जो चैप्टर पढ़े नवंबर दिसंबर में भूल गए, आपको बीच बीच में जब भी टाइम मिले रिवीजन करो। ठीक है, इसीलिए इस बैच में, शुभम क्लासेस के बैच में जो 3 महीने में पढ़ाया गया वो जुलाई से फिर से एक बार रिवीजन करा दे रहा हूं, ताकि जो बच्चे जुड़े हैं उनका एक बार फिर से रिवीजन है, और जो बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं, नहीं अब अपना 100% देना है, जो टाइम बीत गया लेकिन आज से हम अपना 100% देंगे, तो वो लेसन 1 से जुड़कर तैयारी कर सके। ठीक है, और जो भी बच्चे क्लास 10-12 के हैं, जो भी टाइम टेबल बनाओ उसे डेली फॉलो कर सको, ऐसा टाइम टेबल बनाओ। ठीक है, ये नहीं कि पता चला अभी जोश में आए, ऐसा टाइम टेबल 12 घंटे डेली पढ़ाई करूंगा। आप देखो, एक पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, अगर ये समझ गया, आपका भी अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है या फिर आपका भी डेली 2-3 घंटे नहीं पढ़ पाते, तो आप एक काम करो। ठीक है, आप जैसे शाम को पहले 7 से
8 पढ़ाई करो, ठीक है, 1 घंटा पढ़ाई के। फिर नेक्स्ट डे 7 से 8 की जगह 7 से 8 बज के 10 मिनट बढ़ाओ, फिर 10 मिनट या 5 मिनट डेली डेली ऐसे बढ़ाओ, तो आप आराम से धीरे एकाएक आप 3-4 घंटे नहीं पढ़ सकते, आप डेली 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 आप रिदम में आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर एक बार आप रिदम में आ गए तो फिर आप बोर्ड परीक्षा में एकदम आग लगा दोगे। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं अभी, आप बहुत अच्छे कमेंट करते हो सर मन नहीं लगता है पढ़ाई में, हम कैसे स्टडी करें, तो यही 5-10 मिनट आप डेली डेली पढ़ाओगे, एक टाइम आएगा कि आप 3-4 घंटे डेली सेल्फ स्टडी करो, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं अगर अभी आप सुधर गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर आएगा तो फिर 1-2 मंथ में कुछ नहीं हो पाएगा, अभी सब कुछ हो सकता है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, ठीक है। अभी आप अगर मेहनत कर लोगे तो लास्ट टाइम पर प्रेशर नहीं रहेगा। क्वेश्चन का पेपर बहुत बार घुमा कर आ जाता है, इस बार बहुत सारे ऐसे पेपर थे जो क्वेश्चन को घुमा कर पूछा, तो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़े रहोगे तो क्वेश्चन घुमा कर भी आएगा तो आप कर लोगे, और आपको ठीक है। देखो अगर आप इस अभी से मेहनत करोगे हाफ ईयरली में अच्छे आएंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और आपको जब चीजें चैप्टर समझ में आने लगेंगे तो आपको पढ़ने में मजा आने लगेगा, तो इसलिए अभी से शुरुआत कर दो। जितने भी क्लास 10 12 के स्टूडेंट हैं कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताओ कि क्या आप अपना 100% दोगे, क्या आप भी ऐसा ही रिजल्ट लेकर आओगे जिससे आपका, आपके पेरेंट्स का और शुभम क्लासेस का नाम रोशन हो सके, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। और जो भी क्लास 10 12 के स्टूडेंट है, अगर आप क्लास 10 12 की तैयारी करने जा रहे हो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, तो आप शुभम क्लासेस से जुड़ोगे तो आप याद रखोगे कि कहीं से आपने 10 12 की तैयारी की थी, आपको इस बैच में वो सब कुछ मिलेगा जो पिछले साल के बच्चों को मिला था और वो पढ़कर 90-95 प्लस लेकर आए थे, आपको मिलेगा तो सब कुछ, बस आपको भी वही चीजें जितनी मेहनत से सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं आपको भी उसी मेहनत से पढ़ना है, क्योंकि यहां पर आपको शुरू से लेसन 1 से तैयारी कराया जाएगा और जो लाइव क्लास चल जाएगा उसका वीडियो भी आपको ऐप पर एग्जाम तक रहेगा, आपके आखिरी एग्जाम तक इस बैच में तैयारी कराया जाएगा, और एक बार अगर 1499 पे कर दिए तो फिर एक बार भी पेमेंट नहीं करना एग्जाम तक, और सभी विषयों की तैयारी होगी, ठीक है। प्रॉपर उसका टाइम टेबल है जो आपको ऐप के अंदर मिलेगा, तो जिनको भी जुड़ना है उनको देर तो करना ही नहीं है, क्योंकि आपको पढ़ना तो है ही है, तो अभी पढ़ो या नवंबर दिसंबर में पढ़ो, इसलिए अभी से शुरुआत कर दो कि एक ऐसा अच्छा अंक ला सको ताकि सबको दिखा सको। तो शुभम क्लासेस ऐप डाउनलोड कर जुड़ सकते हो, तो ये नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। मैं आपके लिए, यहां पर लाइट नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको वीडियो बना रहा हूं ताकि जो बच्चे बहुत दिनों से कमेंट करेंगे सर हम अब कैसे शुरुआत करें, क्योंकि वो वीडियो 8 लाख स्टूडेंट देखे तो उसमें बहुत कमेंट आ रहा था, तो मैं सोचा कि आपको भी एक सही गाइडेंस दे सकूं, क्योंकि आप सभी मेरे छोटे भाई बहन हो, ठीक है। आप कुछ अच्छा करोगे तो उससे हमारे शुभम क्लासेस का भी प्रचार होगा, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स बताओ, और कौन कौन ऐसा स्टूडेंट है जो अब अपना 100% देगा और जी जान लगा पढ़ाई करेगा कमेंट बॉक्स जरूर बताओ। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।